in the last clip, you saw me stitching up the trouser. I did the inner outer leg seam, and then you saw me press the trouser seam and press the bottom turning of the puncher. Now what I'm going to do is I'm going to apply, do hand tarpai at the bottom of the hemline of the trouser, and then I'm going to make small little holes, and through those holes I'm going to insert these buttons. And the reason why I'm doing the holes is so that this protruding part can actually be taken towards the inner side, so that the button will sit sort of flat on the surface of the trouser, and it's not going to sort of like dangle down. I don't really want it dangling down. Can you see? It doesn't have a flat sitting position. So you're going to see me doing that, and then I'm going to do the inside leg seams. I'm going to overlock that, and then do the crutch seam and do the elasticating. So I'm going to silently, I'm really sorry, English being the first language, we always forget and go back quickly to English. Chalo main ab Urdu mein dobara baat karti hu. माफ़ी चाहती हूँ कि ज़बान जो है वो एक तरफ इंग्लिश की तरफ चली जाती है. सो जो लास्ट सीन में मुझे देखा है आपने, वो है इस ट्राउज़र की सिलाई करते हुए. तो इसकी जो बाहर वाली आउटर साइड सीम लाइन है उसकी मैंने सिलाई की, उसको ओवरलॉक किया, फिर उसको प्रेस किया, और ये पोंचे का जो हिस्सा था इसको भी प्रेस करके फ्लैट कर लिया है, और इसकी जो टर्निंग है उसको भी टर्निंग करके अभी सेट कर लिया है. और अब मैं इसकी तरपाई करूंगी, और साथ साथ फिर इसके बीच में जो है तीन होल्स बनाऊंगी, और होल्स के अंदर से जो है इन बटन्स को लगाऊंगी. उसके बाद जो इनसाइड की लेग सीम है उसकी सिलाई करूंगी, और उसको ओवरलॉक करके फिर उसके बाद क्रच की सीम और इलास्टिकेट करूंगी. तो ये हमारी ट्राउज़र मुकम्मल होगी. साथ साथ जो है मैं वो बैकग्राउंड में बात नहीं करूंगी, तो जो बातें आपके सुनने में आएंगी वो हैं सिस्टर फरहत हाशमी की कुरान तफसीर के में, और यह है सूरत यासीन का तफसीर. और मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर इनमें से, इन बातों से ज़रूर ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे. सो गौर से सुनना और दुआ में याद रखना. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 233 واضرب لهم اور پوری طرح پہنچا دیں انصار کر دیں گے. لا لام تاکید ہے اور نون नून तो सच्चा है. युसिबकुम बादुल्लज़ी यईदुकुम, पहुंचेगा तुमको बाज वो जिसका वो तुमसे वादा कर रहा है. यानी तुम इसकी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तुमको अल्लाह की तरफ बुला रहा है. इसकी बात में आखिर मुश्किल क्या है? कालू तायरुकुम माअकुम, पैगंबर उनकी धमकियों से बिल्कुल मरूब नहीं हुए, बिल्कुल नहीं डरे, खौफजदा नहीं हुए, और उनके कहने में नहीं आए. जब उन्होंने कहा कि तुम मनहूस हो, कहा तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है. ताइरुकुम माअकुम, क्यों हर इंसान का तायर कहाँ है? वकुल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकिही, हर इंसान की नहुसत उसके अपने गले में लटक रही है. दूसरों को मनहूस कहने वाले बाज़ुकात अपनी नहुसत को भूल जाते हैं. अइन दुक्किरतुम, ये बातें तुम इसलिए कर रहे हो कि तुमको नसीहत की गई है. यानी जुर्म सिर्फ इतना है कि तुमको सही रास्ते पे आने के लिए कहा गया है. बल अंतुम कौमुन मुसरिफून, बल्कि तुम हद से बड़े हुए लोग हो, मुसरिफ. अब देखिए कि पैगंबरों पर जब इल्जाम लगाए गए तो उनका जवाब क्या था. तरदीद जरूर की उन्होंने दलाइल के साथ, लेकिन बिल्कुल काम और क्वाइट, यानी इस माने में कि उन्होंने कोई खौफ का मुजाहरा नहीं किया, कोई शोर हंगामा नहीं किया, रोना धोना नहीं मचाया. क्या कहा? ताइरुकुम माअकुम, तुम समझते नहीं हो, तुम हमें मनहूस कहते हो. बात यह है कि हर इंसान की नहुसत उसके अपने साथ है, और हर इंसान की नहुसत उसके अमल की वजह से. और फिर उन्हें समझ आ रही थी कि ये मुखालफत क्यों हो रही है.
इन जिक्र तो तुम हमारे जान के पीछे इसलिए पड़ गए हो कि तुम्हें हमने नसीहत की है, क्योंकि अगर पैगंबर नसीहत ना करते तो कोई मुखालफत ना होती। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम हद से बड़े हुए लोग हो। मुसरिफ का लफ्ज किससे है? इसराफ से। इसराफ होता है हद से बढ़ जाना, यानी गलत काम भी तुम करते हो और इल्जाम भी हमें देते हो। क्योंकि जो मुसरिफ होता है ना, हदें तोड़ना चाहता है, उसको पैगंबरों की बात अच्छी नहीं लगती। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि लोग अच्छी बात की मुखालफत क्यों करते हैं? पैगंबरों की मुखालफत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने आकर लोगों को हद पर रहना सिखाया कि अपनी हदूद के अंदर रहो, हदें ना फलांगो। क्योंकि आमतौर पर लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना चाहते हैं, और इसराफ क्या है? इतदाल से हटना। हर चीज में हमारे दीन ने हमें इतदाल सिखाया है, खाने पीने सोने जागने शादी ब्याह ताल्लुकात माल कमाने खर्च करने, हर चीज के मामले में इतदाल सिखाया। लेकिन शैतान इंसान को हमेशा क्या करता है? हद से बढ़ने की तरगीब देता है। और इंसान का नफ्स भी क्या चाहता है, इंसान की ख्वाहिशात का भी क्या तकाजा होता है, कि वो अपनी ख्वाहिशात को फुलफिल करने के लिए किसी हद पर रुकना नहीं चाहता। मसलन लज्जत के हुसूल के लिए हर काम करना चाहता है, चाहे वो हलाल हो या हराम हो, जायज हो या नाजायज हो, किसी का उसमें फायदा हो या नुकसान हो, सारी हदें तोड़ना चाहता है, इंसानी अकली अखलाकी कानूनी, ताकि वो सिर्फ अपनी हविस की तकमील कर सके। हर दौर में होता रहा, क्योंकि शैतान का तरीका यही रहा है। और जब भी कोई उन हुदूद की निशानदेही करेगा तो उसकी मुखालफत होगी। आज भी आप देखें कि बसा औकात आजादी के नाम पर, हुकूक के नाम पर बहुत सी इंसानी अखलाकी हदों को पामाल किया जाता है, और जब भी कोई शख्स उसकी तरफ तवज्जो दिलाए तो जो नफ्स परस्त होते हैं उनकी नजरों में मबगूस बन जाता है। और इसकी बेशुमार मिसालें आप मिलेंगी आपको। पैगंबरों के साथ तो हमेशा होता ही रहा, लेकिन पैगंबरों के अलावा भी हर सोसाइटी के अंदर कोई भी लोग, खा वो सोसाइटी के अपने लोग हों या फिर कोई दूसरे हों, उनकी हमेशा मुखालफत हुई। पिछले दिनों मुझसे कोई जिक्र कर रहा था कि अबॉर्शन के खिलाफ जिन लोगों ने तहरीक चलाई या जिन लोगों ने लोगों को अवेयरनेस दी, उनकी ऐसी ऐसी मुखालफत हुई कि उनको जान की धमकियां और उनको हर तरह के टॉर्चर से गुजरना पड़ा। हालांकि वो कोई इस्लाम और गैर इस्लाम का मामला नहीं था, सिर्फ एक अखलाकी हुदूद का मामला था। इसी तरह और भी बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। तो कुरान एक मिसाल है, एक सबक है हम सब के लिए। और सबक क्या है कि जब भी कोई शख्स लोगों को इसराफ छोड़ने के लिए कहेगा, खा वो शादी ब्याह में क्यों ना हो, तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि अब तुम चाहते हो कि हम खाना पीना भी छोड़ दें, अब हम पहनना ओढ़ना भी छोड़ दें। तो मुसरिफीन को कभी भी नसीहत अच्छी नहीं लगती, और वो नसीहत करने वालों के पीछे पड़ जाते हैं। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। और जहां तक पैगंबरों को मनहूस बताने का ताल्लुक है, तो ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। सूरत अल आराफ में आता है, व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन माअहू। जब उन पे कोई मुश्किल आती तो वो मूसा और उसके साथियों को मनहूस बताने लगते कि इनकी वजह से मुसीबत आई है। कौम समूद ने अपने पैगंबर से क्या कहा? सूरत अन्नमल आयत 47, इत्तय्यरना बिका व बिमन माअक, हम तुझे और तेरे साथियों को मनहूस समझते हैं। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा गया? सूरत अन्निसा में आता है, वह इन तुसिबहुम सय्यअतुन यकूलू हाज़िही मिन इंदिक, जब इन पे कोई तकलीफ आती है तो कहते हैं ये तो आपकी वजह से आई। तो ये भी लोगों का तर्ज अमल रहा है, यानी कुछ लोग तो सरे से झुटला देते हैं, कुछ लोग धमकियों पे उतर आते हैं, और कुछ लोग और किस्म की इल्जाम तराशी करने लगते हैं। और वो क्या है कि ये अल्लाह का नाम और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले दुनिया में नहुसत फैला रहे हैं। लेकिन ऐसी धमकियों और ऐसी बातों और ऐसे इल्जामात से इंसान को कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बात कही जा सकती है, मूसा अलैहि सलाम पर कही जा सकती है, सालेह अलैहि सलाम पर कही जा सकती है, तो फिर पैगंबरों के बाद आम इंसानों को क्या नहीं कहा जा सकता?
तो ऐसे में हर वो शख्स जो बड़े अजर का मुतमन्नी है, अल्लाह का पैगाम पहुंचा कर बड़ा अजर पाने का, उसके लिए फिर मुश्किलात भी बड़ी है। लेकिन आप देखिए कि अब होता क्या है, इन सारी धमकियों और इल्जाम तराशियों के जवाब में नतीजा क्या आता है। वजाअ मिन अक्सल मदीनत रजुलन, अब पैगंबर तो चूंकि शहर की तरफ भेजे गए जहां पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी और हर तरह की गहमा गहमी, और वहां उन्होंने पैगाम दिया और एक इख्तलाफी माहौल पैदा हो गया और कोई मानने को तैयार नहीं, हर तरफ लोग बिफरे हुए हैं, धमकियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं। तो इतने में आप देखिए कि मैसेज शहर से निकलकर शहर के किनारों तक और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया, क्योंकि अमूमन होता ही है कि जब मुखालफत शुरू होती है तो पैगाम तेजी से फैल जाता है। वो बात जो किसी को नहीं पता होती, जहां तक नहीं पता होती, वो इख्तलाफ के नतीजे में और मुखालफत के नतीजे में दूर दूर तक पहुंच जाती है। अब यही हुआ कि दूर दूर तक बात फैल गई कि कुछ लोग हैं जो बस्ती में आए हुए हैं और लोगों को ऐसी और ऐसी नसीहतें करते हैं और बाकी लोग उनके साथ ये मामला कर रहे हैं। अब इतने में क्या हुआ, वजह अमिन अक्सल मदीनति रजुल यसा, आ गया एक शख्स शहर के दूर दराज इलाके से, अक्सा दूर, मदीनत शहर वही बस्ती, उस बस्ती के दूर पार इलाके से, सबर्ब से एक शख्स आया, यसा दौड़ता हुआ तेजी से जल्दी जल्दी, काला कहने लगा, या कौमी ए मेरी कौम, इत्तबिउल मुरसलीन, रसूलों की बात मान लो, जिनके सामने रसूल हैं, जिनके बीच में रसूल हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे एक वो शख्स जो दूर से सेकंड हैंड बात सुन के आया है कि क्या कश्मकश हो रही है शहर में, वो वहां से उठ के आता है और कहता है कि इनकी बात मान लो। यानी अल्लाह ताला कहां से दिफा का जरिया पैदा कर देते हैं। इत्तबियू, पैरवी करो, मल्ला यसअलुकुम अजरन, जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, तुमसे किसी सिले की तवक्को नहीं रखते, वहुम मुहतदून, और वो हिदायत याफ्ता है, हिदायत पर है। यानी वो शख्स पहचान गया कि पैगंबर जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात है। ये क्या चीज थी कि जिसने उस शख्स को बात सुझा दी जो शहर के बड़े बड़े समझदार लोगों को समझना आई, बसीरत। उसने उनके तरीकाकार और उनकी बातों और उनके दलायल से अंदाजा लगाया कि ये शख्स कहता क्या है, ये क्या बताता है, किस चीज की तरफ बुला रहा है, क्या अपनी जात की तरफ बुला रहा है, नहीं वो तो अल्लाह की तरफ बुला रहा है, किस चीज से रोकता है, बुराइयों से रोकता है, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं बुराइयों से रोकना, चाहता क्या है, लोगों से कोई फायदा उठाना, कोई नफा हासिल करना, वो भी नहीं चाहता, ये तो बिल्कुल बेगर्ज सा शख्स है जिसे ना माल चाहिए ना ही कोई अपनी जात का फायदा चाहिए, और लोगों की इसलाह ही उसका प्रोग्राम है, तो इसमें क्या मुश्किल है। इत्तबियू मल्ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, और फिर इसमें आप देखिए कि उस शख्स की जो शख्सियत है वो पता चलती है उसके तर्ज अमल से। पहली बात यह कि जब उसने हक का पैगाम सुना तो बैठा नहीं रह गया, सिर्फ माना नहीं बल्कि उठ के चल दिया, सिर्फ चला नहीं बल्कि दौड़ कर आया, क्योंकि जो जितना साहिब बसीरत होता है वो नेकी के काम में उतनी ही जल्दी करता है, देर नहीं करता, क्योंकि फस्तबिकुल खैरात का हुक्म है, कहते हैं ना नेकी और पूछ पूछ कर, तो नेकी करने में इंसान को मशवरा भी नहीं करना चाहिए, अच्छा मैं ये नेकी कर लूं या ना करूं, क्या करना चाहिए, जो बात नेकी की समझ आए उसको फौरन कर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हर काम का एक महदूद वक्त होता है, अगर वो वक्त गुजर जाए तो खा आप उससे दुगना काम करें वो फायदा मंद नहीं होता। मसलन नमाज का एक खास वक्त है, अब अगर आप उस वक्त को मशवरे में गुजार दें तो क्या होगा, वक्त गुजर जाएगा। अब आके मैं दो दफा पढ़ लेती हूँ, जोहर को असर के वक्त में दो दफा पढ़े, कोई फायदा, क्यों, वक्त गुजर गया। तो जिस शख्स को नेकी का मौका मिले उसे नेकी कर डालनी चाहिए, कोई भी हुआ तो कहता ऐसा था ना कि हमें दिल में ख्याल आता है अच्छा हम सदका खैरात कर लें। अब अगर आप किसी से पूछने लग जाएं
कि अच्छा मैं करूं कि ना करूं, तो हो सकता है वो शख्स आपको उल्टा मशवरा दे, अक्सर ऐसा होता है, और फिर मौका गया। बिल्कुल, यानी उसने अपनी अकल से काम लिया और दूर से बैठ के उस बड़े पिक्चर को देखा कि ये मामला है क्या, और फिर जो उसको सही लगा उसने आगे बढ़ के उसको कर लिया। क्योंकि अगर वो उन बहसों में पड़ जाता, अंदर आके एक से पूछता, अच्छा तुम क्या कहते हो, अच्छा तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, तो नतीजा क्या होता, वो उनके प्रोपेगंडे में इतना आता कि वहीं बैठ जाता कि अच्छा हाँ ठीक है, खुद भी कंफ्यूज हो जाता। जब उसने कुछ दलाल देख लिए और उसकी अपनी अकल को यकीन आ गया, यानी उसको खुद समझ आ गई, तो फौरन आगे बढ़ा। रजुल यसा, अच्छा साहबा कराम के बारे में भी हमें ये मिलता है ना कि नेकियों में वो सबकत करने वाले थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल हमारे सामने है, जब आयत तखीर उतरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आके कहा कि देखो अब तुम्हारे पास चॉइस है, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है, हाँ तो अपने वालदैन से मशवरा कर लेना। तो कहने लगी क्या इस मामले में मैं अपने वालदैन से मशवरा करूं, हालांकि उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन उनको समझ आ रही थी कि एक तरफ दीन है, एक तरफ आखिरत है, एक तरफ पैगंबर की जौजियत का आला मकाम है, और दूसरी तरफ दुनिया के चंद सिक्के, सिर्फ दुनिया की चंद चीजें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो अल्लाह और उसका रसूल और आखिरत का घर चाहिए, और उन्होंने किसी दूसरे से मशवरा नहीं किया। तो जब भी हमारे बस में कोई नेकी का काम, किसी की खिदमत हो, कोई मदद हो, किसी को अच्छा मशवरा देना हो, कोई भी हमारे पास ताकत हो उसका इस्तेमाल हो, तो उसमें इंसान को कर जाना चाहिए। बहुत ज्यादा सोचें और बहुत ज्यादा मसलियतों का शिकार होकर अमूमन इंसान पीछे रह जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे कि जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो एक शख्स बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि आप दुआ कीजिए कि मैं भी उसमें हूँ। तो आपने उसके लिए दुआ की, उसको देख के एक और शख्स ने कहा, आपने फरमाया वो सबकत ले गया, क्यों आपने पहले वाले के लिए दुआ की, क्योंकि उसने अपनी अकल से की थी और इसने देखा देखी कहा था। तो इसमें फर्क होता है ना, एक चीज जो आप खुद इनिशिएट करते हैं और एक ये कि दूसरों की देखा देखी शुरू करते हैं, तो वो एक चीज तो नहीं हो सकती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत उम्मे सुलैम के घर आराम कर रहे थे दोपहर के वक्त, तो आप मुस्कुराते हुए उठे, जाग गए। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आपने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरी उम्मत का एक लश्कर समुन्दर पर सवार है, यानी जहाज पर बैठकर जहाद के लिए जा रहा है। तो उस पर हजरत उम्मे हराम कहती हैं, उनकी बहन है उम्मे सुलैम, आप दुआ कीजिए मैं भी उनमें से हूँ। आपने उनके लिए दुआ की और फिर आप सोए, फिर उठे, फिर इसी तरह मुस्कुराए, फिर उन्होंने पूछा क्या, तो आपने कहा कि उनमें से कुछ शहीद होंगे शायद ये बात के, तो उनका कि आप दुआ करें मैं भी शहीद हूँ। तो आपने उनके लिए दुआ की, शहादत की दुआ की, और उस वक्त फिर हजरत उम्मे हराम जो है वो उस लश्कर में शरीक भी हुई और साइप्रस के इलाके में घोड़े से गिरकर शहीद भी हुई, यानी बाकायदा भी उन्होंने किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो मौत होती है वो भी शहादत होती है। अब आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख्वाब सुना रहे हैं, हम होते तो कहते हैं अच्छा ख्वाब ही है ना, कौन सी हकीकत है, लेकिन उनको पता था कि पैगंबर का ख्वाब सच होता है और ये यकीनी बात है। तो नेकी का मौका ख्वाब में भी इंसान पाए तो उसको कर ले, यसा दौड़ पड़े उसकी तरफ, क्योंकि कोई पता नहीं कि अगले लम्हे वो कर सके या ना कर सके। वजह में नक्सल मदीना तेरा जुलू यसा काला या कौम तबील मुरसले। अब उसमें आप देखिए ये एक है, दूसरी तरफ पूरी कौम है, किस कदर जरूरत चाहिए होगी। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जब बहुत से लोग एक बात कर रहे हों तो हम भी साथ हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो तो आसान होता है ना, और भी कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। लेकिन वो नेकी बड़ी नेकी होती है जो कोई ना कर रहा हो और फिर आपका जमीर कह रहा हो कि ये नेकी है और आप उसको कर जाएं। क्योंकि बाज़ू का ऐसा भी होता है ना कि दूसरे लोग